तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं KTM की ओर से फुल फेयरिंग जो है डिजाइन वाली एंट्री लेवल बाइक KTM RC 125 125cc वेरिएंट है। इससे अगर आप ऊपर जाना चाहें 200cc जा सकते हैं या 390cc, तो ज़्यादा अगर पावर की रिक्वायरमेंट है तो 390 पे आना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन कई लोग होते हैं कि थोड़ा जो है कम सीसी वाली बाइक चाहते हैं लेकिन डिज़ाइन वही चाहते हैं, तो वो जो है KTM RC 125cc ले सकता है। माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा और यहाँ कलर बहुत ही प्यारा, यहाँ पे देखेंगे ऑरेंज और वाइट का कॉम्बो, सिरेमिक वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और साथ ही साथ यहाँ अब बाइकें आपको बताइए E20 जो फ्यूल वाला इंजन है उसके साथ में आ रही है, तो ये जो बाइक है E20 फ्यूल OBD2 वाला इंजन के साथ में आती है, तो ये वही वाला जो है पेट्रोल भी सपोर्ट करेगी जब आपको जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा कलर अगर मैं बात करूँ, इसका जो है ऐसा ये वाला ब्लैक और ऑरेंज वाला कॉम्बो, ये वाला कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कलर की अपनी चॉइस रहेगी, जो भी आप लेना चाहें, कोई ब्लैक वाला कलर का फैन होगा तो ब्लैक ले सकता है, और जो है कोई ये वाला कलर अगर आप जो है लेना चाहेगा तो ये भी कलर ले सकता है। एक्स शोरूम की बात करूं, 1,89,000 जिसकी जो है एक्स शोरूम रहती है, ऑन रोड जाते आते लगभग ये आपको 2,22,000 रुपये के ऑन रोड प्राइस पे मिल जाएगी। अब जरा फीचर जानते हैं फटाफट से। सबसे पहले चाबी कुछ आपको जो है आपकी RC 125 की ऐसी देखने को मिलेगी, वेब की टाइप की इसकी रहती है, दो चाबियां आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो पहले जो है फ्रंट की जो ये आपकी जो स्क्रीन है, ये आपकी विंड स्क्रीन आपकी ट्रांसपेरेंट मिला करती थी, अब ये थोड़ी सी ब्लैक में हो चुकी है जो कि अब काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से। इसके जो आपके इंडिकेटर हैं आपको यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आपके जो है यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे, ये DRLs रहती है और जो बीच में जो इसकी लाइट है ये जो है इस वाले वेरिएंट में आपको जो है हेलोजन देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको जो है फ्रंट की जो हेडलैम्प्स हैं ये हेलोजन आपको देखने को मिल जाती है इसमें। अगर आप इस तरफ से आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाली फेयरिंग, ये पूरी ऑरेंज रहती है, इस पर जो है आपकी वाइट कलर की स्टिकरिंग दे रखी है, ग्राफिक्स दे रखे हैं, ऊपर वाली वाइट कलर की रहेगी तो उस पर ऑरेंज कलर की आपको जो है इस तरीके से स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। और बाकी 125cc RC यहाँ पे लिखा हुआ, और जो टैंक है वो भी आपका जो है डुअल टोन कलर में आपको ऑरेंज और जो है वाइट के कॉम्बो में इसमें देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो डायमेंशन में जो है आपकी जो है सैडल हाइट 835mm की आपको इसमें देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, और जो कर्व वेट रहता है 160kg का रहेगा, तो 160kg की जो है ये बाइक रहती है वेट में। तो आराम से अगर बात करें तो इसे जो है 5.6 या 5.7 वाला भी आराम से जो है चला सकता है। पिलियन के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया सीट हाइट थोड़ी सी जो है ऊँची रहेगी, तो ऊपर आपका जो है पीछे बैठे हुए बंदे को थोड़ा सा हाइट पे जो है थोड़ी हाइट अच्छी खासी फील होने वाली है। और यहाँ से सस्पेंशन WP Apex के सालों से चले हुए आ रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन आपको स्पोक्स व्हील आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर यूज किया गया है, बाइब्री के कैलिपर्स के साथ में डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में EVS में मिलती है, और यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स ऐसी कुछ रहेगी। और फ्रंट में आपके जो है 110 70 और 17 के टायर आपको प्रोफाइल मिल जाते हैं, टायर आपको जो है MRF का ही मिलेगा। इसके बाद अब जो है इस साइड से आएंगे, तो इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ साइड प्रोफाइल जो उसकी आपको यहाँ पे मिलेगी, रेडिएटर भी आपका यूज कर रखा है, तो 125cc में वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी KTM की बाइकें थोड़ी जानी जाती फीचर्स के साथ, तो यहाँ पे आपको रेडिएटर भी मिलेगा, किक गायब रहती है आजकल बाइकों से, तो यहाँ भी किक नहीं रहती है। चैसी भी आपको डुअल टोन कलर में है। इंजन की बात करूँ 124.7cc का सिंगल सिलेंडर आपका जो है 4 वॉल्व वाला इंजन आपको मिल जाता है, लिक्विड कूल वाला। पावर आउटपुट जो इसका रहेगा वो रहेगा लगभग जो है आपका 14.5 PS का, वो भी जो है आपके 12 Nm का टॉर्क इसमें आपको जो है मिलने वाला है। और साइड से कुछ ऐसी जो है डिज़ाइन के साथ में आएगी, अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलते हैं, अभी साउंड सुनाऊंगा। स्विंग आर्म आप देखने कुछ इसका ऐसे रहने वाला है, पीछे जो डिस्क है वो भी आपको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रियर में आपको जो है कुछ यहाँ पे जो आपको कह सकते हैं ना जो डुअल चैनल ABS है वो सिंगल चैनल ही मिलता है यहाँ पर, और बाकी डिस्क ब्रेक्स भले ही मिल जाएंगी। पीछे जो है टायर सेक्शन वो आपको जो है यहाँ पर कुछ यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा 150/60R17 का मिलेगा, तो 150mm चौड़ा आपको यहाँ पे टायर दे दिया जाता है यहाँ पे मड फ्लैप। और पीछे 10-way एडजस्टेबल मोनोसॉक सस्पेंशन वाइट कलर में मिलते हैं, और जो इसके इंडिकेटर हैं रियर में भी आपको LED में ही मिलेंगे, पीछे LED जो है टेल लैंप्स काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ग्रैब हैंडल कुछ ऐसे हैं, और पीछे की जैसे सीट बताया था थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे इसकी रहती है। 13 लीटर के आसपास आपको जो है 13 लीटर के आसपास पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएंगी, और क्रिपॉन आपके जो है हैंडल बार आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं,
यहाँ से जो लाइटें हैं ये भी आपकी जो है ऐसी लाइट वाली आपको रात में आपको देखने को मिलेगी, चाहे अगर आप हॉर्न पे देखें, इंडिकेटर्स पे देखें, इस पे देखें, आपके हेडलैम्प्स की इस पे आपको कुछ ऐसी लाइटें जलती भी देखने को मिलेगी। ये इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, ये पास का स्विच आपका रहेगा, यहाँ से इंजन किल स्विच रहेगा ये, और बाकी ये रहता है इसका जो है सेल्फ का। अब स्टार्ट करें अगर बाइक तो यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाती है आराम से। साउंड सुनने को आपको जो है बाइक की कुछ ऐसी मिल जाती है, थोड़ा सा साउंड सुने तो ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। बाकी मीटर कंसोल अगर आप देखें तो मीटर कंसोल का ये अगर मैं हटाता हूँ तो ऐसा जो है नेगेटिव डिस्प्ले के साथ में आपको जो है मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें फीचर्स सबसे पहले ये सारी जो है इंजन चेक लाइट, ABS की, न्यूट्रल की, बाकी ऑयल की, यहाँ पे जो है ये लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। ये स्टार्टिंग के टाइम में ब्लिंक करना बंद हो जाती है। बाकी यहाँ पे ये इसके RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका जो है लिखा हुआ आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसा कुछ जो है इसका निगेटिव टाइप का जो है LCD डिस्प्ले जो है यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा। और बाकी कैसा लगा ये कलर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और KTM की ओर से अगर आप RC सीरीज में जो है एंट्री मारना चाहते हैं, फुल फेयरिंग डिज़ाइन अगर आपको बाइक में पसंद है तो आप जो है इसे जो है ले सकते हैं। 125 cc में थोड़ा क्या है माइलेज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पावर टॉर्क के ज़्यादा शौकीन है तब तो आप जो है 200 या 390 cc में जो है एंट्री मार सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सिरेमिक वाइट कलर में RC 125 cc। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।